अच्छे वाला जो आप देख रहे हैं क्रेटो अड्डा था, तो वहाँ बैठा हुआ था, रुक गया हूँ बीच में, तो थोड़ा हाय मैं हूँ विनोद यादव, वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो मॉर्निंग के 9 बजने के लिए आ चुके हैं, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से आज मैं खाना बनाना का सीखने वाला हूँ, खाना कैसे बनाते हैं। मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है जल्दी, तो मेरा दोस्त है अमित, वो मुझे सिखाने वाला है। तो थोड़ा सा देखता हूँ कैसे बनाते हैं खाना। अमित भाई ने ये आटा क्या बोलते हैं बुन दिया है ना, बुन रहे हैं। मैं सिर्फ गोल गोल करूंगा, बुनना तो ठीक, बुनना तो सिंपल है ना। अमित भाई बोले बुनना तो सिंपल है, वो तो देख लूंगा। ये मेन बहुत, ये रोटी बनाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। गोल करना है ऐसे, लोई बनाने का। अच्छा, फर्स्ट टाइम आटा को लोई बना करने बाद अरे बाबा वीडियो में हां बोलते हैं लोई बनाने का। हाँ ठीक है, एकदम नाप के, तो यार गोल तो कर लूंगा मैं। हाँ गोल तो कोई भी कर लेगा ये सिंपल है। अच्छा, इसको मिक्स करने का। ये रेडी हो गया ना? हाँ। गरम करना सिंपल है ना, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना रहता है, एक उड़ी के ज्यादा हो जाएगा तो एक उड़ी कच्चा रह जाएगी। इसको मैं देखता हूँ अभी। अरे भी नहीं पड़ लेगा, टाइम है, उसको खोलो अभी भी नहीं पड़ लेने का। हाँ थोड़ा उधर देखो, हाँ उसी बाहर इधर पड़ा कर देना। ओके, इस पे सही नहीं बना रहे हो? सही नहीं बना रहा, नहीं बन रहा है। लो आप देखो मुझे एक बार और, मेरा दिखा, मेरे कैसे रोटी बना दिखा इसे। रोटी बनाना कितना मुश्किल लगता है यार मुझे, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। पहले से मुझे आदत नहीं है रोटी वोटी बनाना, खाना बनाना, तो थोड़ा सा ट्राई कर रहा था आज। तो अभी निकल जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कुछ ऑडिशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि नज़दीक ही रहता हूँ तो जाके कास्टिंग डायरेक्टर से मिल ही लेता हूँ। तो थोड़ी बारिश गिर रही है धीरे धीरे, जैसे बंद होती है तो जैसे ही बंद होती है वैसे से फटाक से मैं निकल जाऊंगा और देखता हूँ कहाँ कहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अभी आराम नगर पार्ट 2 में, तो चल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं और कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि एक ऑफिस में कम से कम 10-15 कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हर किसी के पास अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। तो चलते हैं और मिलते हैं उनसे। पीछे वाला जो आप देख रहे हैं क्रिएटिव अड्डा था, तो वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर बैठते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, वो लोग कैफ़े में तो कभी कभार मिल जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कैफ़े भी है तो अंदर बैठे रहते, कभी आ जाते हैं बाहर तो उनसे बातचीत हो जाती है। तो अभी चलते हैं दूसरे कास्टिंग ऑफिस में और वहाँ से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर को मिलते हैं। ऐसे ही लोगों को मिलना, उन्हें पिच मारना, ये सब चलता ही रहता है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है आप सभी को पता है। तो चलते हैं अभी वहाँ दूसरे कास्टिंग ऑफिस में और मिलते हैं कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से। अभी मैं कास्टिंग बे ऑफिस में गया था, तो वहाँ से अभी एक ऑडिशन मिल गया है मुझे, तो सर ने कहा है कि शाम तक या कल दोपहर तक भेज देना है, तो शायद मैं कल दोपहर को ही भेजूंगा। तो ऐसे ही चलते चलते आपको लोगों से मिलोगे, हाय हेलो करोगे, तो आपके लुक का कुछ रहेगा तो शायद आपको ऑडिशन मिल जाता है।
तो आज भी ऑडिशन बना के देना है, तो शाम को देना या कल तक दे दूंगा, तो देखते हैं कैसे क्या करना है। तो और चल के देखते हैं, और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर चलते हैं फिर वहाँ पे। बारिश हो रही थी थोड़ा, इससे थोड़ा सा रुक गया हूँ बीच में, तो थोड़ा सा देखते हैं बारिश कभी बंद होती है फिर उसके बाद निकल जाऊँगा कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए। तो आप देख रहे हैं पूरा पीछे और बारिश ही गिर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करूँगा फिर देखता हूँ कहीं कास्टिंग ऑफिस में जाके वहाँ पर पिच मारूँगा, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी शाम होने आ चुकी है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है आज का। तो अभी 8 बजने के लिए आ चुके हैं, तो खाना वाना लेके मैं आ चुका हूँ पार्सल, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो फटाफट से फिनिश कर लेता हूँ मैं अपना खाना। तो यही था आज का दिन, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।